सातवां सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार से दो दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। ग्राम रोजगार सेवकों ने चार सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। पहले दिन उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की। स्मृति के साथ प्रदेश सरकार के तीन मंत्री भी मौजूद। ग्राम रोजगार सेवक उत्तर प्रदेश में पिछले 12 वर्षों से पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना में अहम योगदान दे रहे हैं तथा ग्राम रोजगार सेवकों का ग्रामीण जनता से सीधे जुड़ाव रहता है। पूर्व में महोदया को रोजगार सेवकों की समस्याओं के निदान हेतु चुनाव के दौरान ज्ञापन एवं वार्ता की गई थी, जिस पर महोदया द्वारा आश्वस्त किया गया था कि हमारी सरकार के सत्ता में आने पर आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। उक्त आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में संगठन द्वारा पार्टी को पूर्ण रूप से सहयोग भी प्रदान किया गया था। रोजगार सेवकों ने न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये एवं बकाया मानदेय को पृथक बजट से दिलाने की मांग की। साथ ही न्यूनतम मानदेय व्यवस्था न होने तक सामग्री अंश से मानदेय की मांग की। सौंपा ज्ञापन। पहले दिन उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की। स्मृति के साथ प्रदेश सरकार के तीन मंत्री भी मौजूद। ग्राम रोजगार सेवक उत्तर प्रदेश में पिछले 12 वर्षों से पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना में अहम योगदान दे रहे हैं तथा ग्राम रोजगार सेवकों का ग्रामीण सेवकों की समस्याओं के निदान हेतु चुनाव के दौरान ज्ञापन एवं वार्ता की गई थी, जिस पर महोदया द्वारा आश्वस्त किया गया था कि हमारी सरकार के सत्ता में आने पर आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। उक्त आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में संगठन द्वारा पार्टी को पूर्ण रूप से सहयोग भी प्रदान किया गया था। रोजगार सेवकों ने न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये एवं बकाया मानदेय न होने तक सामग्री अंश मानदेय की मांग।